सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग से लेके रिव्यू करने वाले हैं कोहामी की तरफ से आने वाले उनके एक 4K वीडियो कैप्चर डिवाइस की, जो कि यहाँ पर रखा खत्म सॉरी यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप में से जितने भी लोग जो है आज के टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, चाहे वो गाइस ट्विच है आपका, यूट्यूब है या फिर फेसबुक है, तो वहाँ पे एक वीडियो कैप्चर डिवाइस जो है आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकती है। अब यहाँ पे खाली लाइव स्ट्रीमिंग में ही नहीं, जैसे कि कोहामी ने लिखा हुआ भी है डू हेल्प बेटर लाइव स्ट्रीमिंग, तो उसके अलावा भी आपको जो है ये बहुत सारी और भी चीज़ों में यहाँ पे हेल्प कर सकता है, जिसको जानने के लिए आज की इस वीडियो को जो है आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बॉक्स की, तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है प्योर व्हाइट कलर में आता है आगे से लेके पीछे तक, जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक मैं कहूँगा रेड कलर का यहाँ पे स्ट्रिप्स ही दे रखी है, जिसके ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस भी बनाए हुए हैं जिनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो इस कैप्चर कार्ड का यूज़ करके, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर बॉक्स कंटेंट की ओर देखें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन करने पे इनका कोहामी का वीडियो कैप्चर डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी सुंदर मेरे हिसाब से सिल्वर एंड ब्लैक कलर का आता है। इसके बाद आपको नीचे एक USB टाइप सी टू USB टाइप ए केबल देखने के लिए मिल जाएगी, और आपको एक अलग से जो है HDMI 2.0 भी केबल प्रोवाइड कराई गई है, ताकि आप प्रॉपरली इसको कनेक्ट कर सको PC से। और यहाँ पे आपको एट द एंड में जो है एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग जो है अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसको कनेक्ट करने में, तो उसे आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं IO पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको दो HDMI के पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट मेंशन है। तो इससे आप लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सा वाला सिग्नल इनपुट में जाएगा और किससे आपको आउटपुट लेना है। वहीं पे आपको दूसरी साइड में जो है एक USB टाइप सी मिल जाता है, वहाँ पर आपको वो USB टाइप सी टू टाइप ए केबल लगानी है जो कि हमें बॉक्स के अंदर मिली थी। अब वहीं पे आपको जो है दो 3.5 mm जैक्स भी मिल जाएंगे, जिसके ऊपर एक के ऊपर हेडफोन बना हुआ है, दूसरे में माइक्रोफोन। तो डायरेक्टली आप अगर अपने माइक्रोफोन और हेडफोन को इससे कनेक्ट करके यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको डेडिकेटेड ऑप्शन जो है इस कैप्चर कार्ड पे मिल जाता है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सपोर्टेड रेजोल्यूशंस की, तो यहाँ पे जैसे कि कोहामी भी जो है चिल्ला चिल्ला के अपनी टैगलाइन में कह रहा है कि ये मैक्सिमम 4K 30 फ्रेम्स तक का जो सिग्नल है उसको लेके डायरेक्टली आपके OBS के अंदर रिकॉर्ड, प्रीव्यू या फिर स्ट्रीम कर सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे। तो वहाँ पे जो इंस्टॉल करो फिर सेटअप करो वो वाला जो हैसल रहता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये प्लग एंड प्ले वाली चीज़ है। अब यहाँ पे इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आप किसी 2K 60 हर्ट्ज के डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर फुल HD 120 फ्रेम्स तक का जो सिग्नल है वो भी यहाँ पे आपको उसका सपोर्ट भी मिल जाता है। अब यहाँ पे गाइस खाली आप जो है अपने DSLR की फुटेज को इससे जो है इनपुट लेके OBS के अंदर जो है रिकॉर्ड जो है प्रीव्यू या स्ट्रीम करने के अलावा आप और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस को इससे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास PlayStation है, Xbox है या फिर Nintendo Switch वगैरह है, तो उनमें अगर आप गेम्स वगैरह प्ले करते हो, इन्जॉय करते हो और आप सोचते हो कि यार क्यों ना मैं अपने PlayStation पे खेलते खेलते गेम को स्ट्रीम भी करूं या फिर रिकॉर्ड करके बाद में एडिट करना चाहूं, तो उन सभी डिवाइसेस का जो सिग्नल है वो भी आप इसके थ्रू जो है लेकर OBS के अंदर डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकते हो। अब वहाँ पे अगर आप इसके अलावा चाह रहे हो कि आपके जो TV वगैरह के शोज़ वगैरह होते हैं जो सेटअप बॉक्स के थ्रू आप चलाते हो, तो उनको भी आप रिकॉर्ड करके बाद में एंजॉय करना चाहते हो, तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग जो है मोबाइल वगैरह पे गेम्स वगैरह प्ले करते हो आज के टाइम पे और स्ट्रीम करना पसंद करते हो, तो यहाँ पे जैसे PUBG PC तो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसके अलावा आपको एपेक्स लेजेंड, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब गेम्स वगैरह अगर लाइव स्ट्रीम करने का मन करता है या रिकॉर्ड करने का, तो वो भी आप काफ़ी आसानी से इस कैप्चर कार्ड के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको इतने सारे सपोर्टेड रेजोल्यूशंस, इतने सारे डिवाइसेस का सपोर्ट मिल जाता है इस वाले कोहामी के कैप्चर कार्ड में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑल इन वन सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहेंगे कि यार वैसे तो मार्केट में और भी कैप्चर कार्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉर्सेयर का एल्गाटो आ जाता है, आपका एवर मीडिया का आ जाता है,
तो यहाँ पे ये वाला ही हम क्यों चूज करें? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा गाइस, जो एल्गाटो का 4K60 प्रो कार्ड आता है वो आई थिंक कुछ 37-38 हज़ार रुपये के आसपास आता है और बहुत शॉर्टेज में भी रहता है। यहीं पे एवर मीडिया का कार्ड भी कुछ 25-26 हज़ार से नीचे आता नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है वो आपको अराउंड अभी इंडियन मार्केट के अंदर कुछ 26 हज़ार रुपये के आसपास परचेज करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस इसमें आपको सपोर्टेड रेजोल्यूशन बहुत है, जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, डिवाइस सपोर्ट भी है। तो अगर आप में से जितने भी लोग जो है सोच रहे हैं ये सब करने का जितना मैंने अभी मेंशन करा है, तो अगर आप चाहें तो ये वाला जो है कैप्चर डिवाइस भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जिसका लिंक वगैरह आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग जो है परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी गाइस फिर मैं होप करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो लाइक बटन दबा के मुझे ज़रूर बताइएगा, किसी वजह से अगर हेल्पफुल नहीं रही है तो डिसलाइक बटन भी आप लोग दबा सकते हो। साथ ही साथ गाइस आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस वाले कैप्चर कार्ड को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल वाले बटन को दबा के जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह नमस्कार।